जब बैंचो कालेसान ऐसा ठोकरा जैसे कोई मुड़ी हुई कील को जबरदस्ती हथौड़े से ठोकता, और बैंचो ये कौन सा डांस है? अगर ये डांस है तो मैं और मेरे सभापति दोनों ये डांस सीखना चाहेंगे। वैसे ही कार्यंती भी कुछ कम ना है, पूरा स्वाद ले रही है, मतलब पूरी लहर ले रही है, और कह रही है कि दह झटका और दह झटका। इनका डांस देख के यार गाना याद आ गया यार, रामू कौन सा गाना था वो? हाँ, दह बल्ला की चोट बलम ने गान फाड़ दी रहे। ओए, वो गान फाड़ दी रहे नहीं, गेंद फाड़ दी रहे हैं। यार रामू कुछ भी हो, फट तो रही है ना, चाहे वो गेंद फटे या फिर इस कलवी की गांड। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल आरा रोस्टर रावण के दरबार में। तो कैसे हो सभापति? हो सभापति तो ठीक है, लेकिन तुझसे नाराज है। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने? अब 1.5 महीने से कोई वीडियो जो नहीं ला रहा है तू। ओ तो ये बात है, तो सभापति वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि यूट्यूब ने मेरा चैनल ही डिलीट कर दिया था यूट्यूब से। और हाँ, जैसे ही मैं इस सदमे से बाहर आया मैंने एक वीडियो भी डाली थी, लेकिन उस पे भी 18+ का पंगा पोत दिया इन लोगों ने, और वो वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन कोई बात नहीं यार, अब वीडियो कंटिन्यू आएंगी, और आप लोगों को अगर वो वीडियो देखने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, तो अगर आप 18+ है तो वीडियो को जरूर देखना, लेकिन आज की सभा समाप्त होने के बाद। अच्छा, तो सभापति आज हम बात करने वाले डांस की। अब आप लोग कहोगे कि डांस नहीं डांस होता है। अरे भैया होता तो डांस ही है, लेकिन वो डांस इंडिया डांस में होता है। लेकिन हम उस डांस की बात करने वाले हैं जो चाचा की शादी में और भतीजे के नामकरण पर किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की सभा, आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। तो देख लिया आपने कैसे ये दरियाई घोड़ा कोबरा नाग बनकर अपने शिकार पे लपक लिया। तो चाचा ये नागिन डांस नहीं है, ये तो लोड़ा डांस है। और चाचा ऐसे लपक रहा जैसे कोई 10 दिन का भूखा कुत्ता हड्डी की तरफ लपकता। मैं तो सिर्फ आपसे एक ही बात कहूंगा कि नागिन डांस छोड़ो, और जो 9 महीने का बच्चा पेट में लेकर घूम रहे हो ना, पहले जाकर उसकी डिलीवरी करवाओ, वरना आप नागिन बनो ना बनो वो अजगर बनकर आपकी गांड से बाहर आ जाएगा। हाँ भाई, तो इसे कहते हैं लैंडी पैंडी डांस। ओए, मैंने तो सिर्फ हिप हॉप डांस और बॉलीवुड डांस के बारे में सुना है, ये कौन सा नया डांस फॉर्म आ गया? अब रामू तू अब भी नहीं समझा, ये कोई डांस फॉर्म नहीं है, ये तो संभोग फॉर्म है, वो भी कुत्ता कुतिया की। चलो ये दोनों तो मजबूर है क्योंकि इनकी लैंडी चिपक गई, लेकिन ये जो पीछे वाला बंदा, इसने कौन सी कुत्तिया की गांड सूंघ ली जो दो संभोग करने वालों के बीच में आ रहा है? अब वो इसलिए बीच में आ रहा है क्योंकि कुतिया ने उनका खड़ा करके और किसी और से लैंडी जोड़ दी, तो गुस्सा तो आएगा ना मेरी जान। बात तो सही है रामू, बाकी तो दूसरी वीडियो लगा, इनकी लैंडी जुड़ी रहने दे। अब बहनचो अब ये कौन सा डांस आ गया? अब ये डांस नहीं, ये तो मुर्गी के दौरे हैं, जैसे तुझे चढ़ते हैं कभी कभी। गजब बेइज्जती है। हाँ, तू सबको जोर जोर से बोल के बता दे कि मुझे भी मिर्गी आती है। बहनचो आज तो पता चल गया कि अपने ही दोगले होते हैं। और भाई तू, तुझे कौन सी भूत की आत्मा आ गई जो तू ऐसे छाती पीट पीट के डांस कर रहा? वैसे डेडिकेशन तो देखो भाई की, एक भी बीट मिस नहीं किया। इसे कहते हैं मादर चोट डांसर। और बहनचो छलावा छलावा, भाई के साथ धोखा कर दिया नागिन ने। बहनचो मुंह के बल पटक के मारा भैया को, वैसे ये तो होना ही था। और खड़ा हो जा भोसड़ी को उसकी टांगों पे, सोच रहा होगा कि टांग उठाऊंगा, लेकिन ऐसा धोबी पचाड़ पैक के मारा नागिन ने कि टांग तो दूर की बात है, खुद नहीं उठेगा 1 हफ्ते तक बिस्तर से। अब घूमियो आंसा सूझा हुआ मुंह लेके, और कर ले नागिन से दोस्ती, डस गई ना। और का टिको थोड़ी जा रहा होगा स्टेज पे, और उछल ले टांग उठाकर। बैंचो अच्छी वाली स्टेज पे नाच रही थी, लेकिन नहीं, मैडम को तो उछलना है। और बैंचो ऐसा कौन सा मुठ्ठा है इस देश में जिसकी रात बिना मुजरे के पूरी नहीं होती? ओए रावण, ध्यान से देख, ये वीडियो रामलीला के रावण दरबार की है। अरे हाँ यार रामू, तू ठीक कह रहा है। हाँ तो भोसड़ी के वो मुठ्ठल तू ही है, क्योंकि रोस्ट करने वाला भी रावण है और मुजरा देखने वाला भी रावण है। अच्छा भाई तू लड़ क्यों रहा है? वैसे मजा तो बहुत आता है मुद्रा देखने में। अबे यार रामू, एक बात समझ में नहीं आई, ये कौन सी याद है बे? अबे ये याद है टपा टप
टप की, अब तूने तो किया नहीं है कभी, तो तुझे कैसे पता होगा कि याद कैसी होती है। अब तू एक बात बता, तू मेरे साथ है या मेरे खिलाफ? हमेशा मेरी बेइज्जती करता रहता, और जिस तरीके से ये मोहतरमा याद कर रहे हैं उससे तो सिर्फ यही लगता है कि इसने बहुत झटके झेले अपनी जिंदगी में, तभी तो इतनी याद आ रही है। और हाँ मोहतरमा, ऐसे झटके मार के किस भोसड़ी वाले की मचा ले जो आपको कबूल ना करे, मुझे तो आप कबूल हो। सिर्फ शर्त इतनी है कि इस बार झटके मैं मारूंगा। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। तो मोहतरमा, जिन्हें आप अंगूर कह रही है वो पपीते हैं, पपीते, और आपके तो पपीते का मुझे मौसमी ज्यादा लगते हैं। और रही पर्दे में रखने वाली बात, तो मोहतरमा हर कोई पर्दे में रखता है, वो अलग बात है कि रात को पर्दा हट जाता है और मौसमी माली चूस जाता है। वैसे जिस तरीके से आपने लास्ट में टट्टी साफ किया, स्वाद तो आ गया होगा। ओए रावण, ये स्वाद मुझे भी दिलवा दे। अच्छा रे, तुझे भी चाहिए स्वाद? तो आजा दोनों चलते स्वाद लेने। तो सभापति, मैं और रामू तो जा रहे हैं स्वाद लेने, लेकिन आप कहीं मत जाना, पहले जाके वीडियो को देखो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। और ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। आपको मोहतरमा की मौसमी की कसम है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। और आखिरी बात, इस वीडियो को सीरियस बिल्कुल भी ना ले, ये वीडियो एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाई गई है, क्योंकि सिर्फ अपना एक ही फंडा है, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। तो चलते हैं, टाटा बाय बाय। और रामू चल चलते हैं, कहीं माली मौसमी ना चूस जाए।